ध्रुव भी ब्रेकफास्ट की लाइन में लगते हुए। हाँ नाक के बाल, तुम तो काम करा करा के बिल्कुल मजदूर बन गए पापा, बिल्कुल मजदूरों वाली हालत हो रही है तुम्हारी, काले हो गए बहुत। घर को अच्छा बनाने के चक्कर में कहीं अपनी ब्यूटी खराब मत कर लियो। क्या है दिलों को ना पूछो। अरे अभी पापा का ब्रेकफास्ट भी आएगा क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और आजकल तो इसी तरीके से हो रहा है, कोई डाइनिंग टेबल वेबल नहीं। वैसे भी हम लोगों को बेड पे ही ब्रेकफास्ट करने की आदत थी ना यशो, बट तुम्हें तो बेड भी नहीं मिलता। पापा के ब्रेकफास्ट में क्या मिला है? दलिया, क्योंकि पापा जो है ब्रेकफास्ट में दलिया ही खाते हैं, और हम लोग जो हैं आज जवे खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग तो नहीं क्योंकि काफी टाइम हो गया है उठे हुए सुबह से, और मैं अभी नहाई थी बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और बाल मेरे अभी तक नहीं सूखे हैं, अंदर से गीले हैं ऊपर से सूख गए हैं। और मॉर्निंग का जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। आजकल जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है लाइफ, बट कोई नहीं, सब चलता है। आप लोगों को मेरे ये वाले ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मैंने पता है हाथ से खाना खाया, तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि मेरी ये वाली जो नेल पेंट है ना, ये येल्लो हो गई और ये वाइट की वाइट है, जबकि ये वाइट ही है, मतलब ये वाइट कलर की लगाई थी मैंने, मतलब वाइट क्या हल्की सी ना क्रीमी क्रीमी टाइप का ये है, और इसको मैंने खाना हाथ से खाया क्योंकि मुझे दाल चावल ना हाथ से खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी दोनों नेल पेंट का आप देख सकते हो कितना चेंज हो गया कलर, और काफ़ी लंबी चलती है मेरी ये नेल पेंट जो मैं कर लगाती हूँ ना, आपने देखा होगा आई थिंक, अगर आप मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा, कम से कम हम लोग जब उधर की साइड ही थे, मतलब इधर आए हुए भी कम से कम हमें 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन तो कम से कम हो ही गए होंगे, हाँ एक हफ्ता तो कम से कम हो ही गया होगा, और उससे पहले ये मैंने उधर की साइड में ये लगाई थी, तो कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं इस नेल पेंट को, और ये कहीं से भी नहीं हटी है, आप देख सकते हो कहीं से भी नहीं हटती है बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया चलती है। और बस ये कलर ही वैसा हो गया, तो इस वजह से ये हटानी पड़ेगी। और घर में मैं क्या क्या कर रही हूँ, पार्लर में ना बाहर धूल, मतलब पार्लर का तो कोई मतलब ही नहीं है धूल धक्कड़ से, हम लोग भी बहुत सेपरेट हैं, मतलब हमारे घर में जो रेनोवेशन का काम चल रहा है उसमें हम लोगों के बीच में धूल धक्कड़ नहीं आती, और ना ही मजदूर वगैरह हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सेपरेट सेपरेट काम चल करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के यही सवाल थे कि मैम भाभी या मैम दीदी जो भी मुझे सब बोलते हैं कि आप क्यों इतना मतलब ऐसे टाइम में करा रहे हैं, और आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, बट क्या है हम लोगों को ना सामान सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि हम काफ़ी सारा सामान था जो अंदर था, और उस सामान को हमें इतनी थोड़ी सी जगह में, मतलब हमें लोबी मिली हुई है किचन और हमारा ये वाला रूम, तो बहुत ज़्यादा ना मैसी मैसी टाइप का हो गया, और ऐसे में रहने की आदत है नहीं, और हमारे जो इस कमरे का जो बाथरूम है ना वो काफ़ी छोटा है, उसके अकॉर्डिंग जिसमें हम पहले रहते थे वो हमारे बेडरूम का जो बाथरूम था वो काफ़ी बड़ा है, तो पता है हमें इसे बाथरूम को यूज़ करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। क्यों खुशी है ना, बाथरूम में मज़ा नहीं आ रहा ना पता है इतना ऐसा लगता है इस बाथरूम में नहाना जैसे एक डिब्बे में बंद होकर नहा रहे हैं, है ना, वो बाथरूम हमारा बहुत बड़ा था, तो बस थोड़ी सी ये सब प्रॉब्लम आ रही है, आदत पड़ जाएगी, जल्दी से जल्दी काम हो, बहुत रात रात तक काम चल रहा है, पता है रात के 11-11, 11:30 बजे तक यश काम कराते हैं, और हम लोगों की क्योंकि सब लोग लगे बंदे हैं, मतलब यश का जो है वो बिल्डर का ही काम है, तो उनके सारे जान पहचान वाले ही हैं, मतलब जो लोग हमारे साथ काफ़ी सालों से काम करते हैं, जैसे कि जो हमारा घर बना रहे हैं जो बढ़ई से लेके प्लम्बर से लेके, और जो चिनते हैं चिनाई विनाई जो करते हैं वो सब भी हमारे सब पुराने हैं, 10-10, 11-11 साल पुराने हैं वो लोग हमारे साथ, जब से हमारे साथ वो लोग हैं, तो उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह में 8 बजे आना है और शाम को 5 बजे चला जाना है, ऐसा कुछ नहीं है उन लोगों के साथ में, वो लोग 9 बजे तक आते हैं, 8:30-9 बजे तक आते हैं, और उसके बाद रात को 10-11 बजे तक भी काम करते हैं, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फैमिली वाले हैं और काफ़ी पुराने हैं तो अच्छा लगता है। और इस रूम में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ बैठ के वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं कभी इधर बैठ जाती हूँ कभी उधर बैठ जाती हूँ, और बट आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि पता है ये भी एक पार्ट है, क्योंकि मैं अपने होम ब्लॉगिंग में कुछ भी फेक नहीं दिखाती हूँ, जो हमारे घर में हो रहा है जिस टाइम पे जो हो रहा है आपको वही देखने के लिए मिलेगा, उसके आगे हम ऐसा कुछ नहीं दिखाती हूँ मैं जो अपनी साइड से या आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे करना पड़े। अगर मेरे घर पर कोई कुकिंग वगैरह होती है जिस तरीके से होती है नॉर्मली, उसी तरीके की मैं कुकिंग आप लोगों को दिखाती हूँ, और कुकिंग में थोड़ा सा इसलिए भी कम दिखाती हूँ, मैं तो दिखाया करूंगी अब आगे को भी, कि अभी ना किचन में भी बहुत आलतू फालतू सामान पड़ा है, तो कुछ
सब मजा नहीं आता। तो मैं आप लोगों के साथ में ज्यादातर ब्रेकफास्ट ही शेयर करती हूँ कि हम लोग क्या खा रहे हैं। और काफी लोगों का सवाल ये भी होता है, जंक फूड वाला तो बहुत ही आता है, बट डियर ये जंक फूड नहीं है। घर में बना बना के खाना कोई जंक फूड नहीं है, बाहर का खाना जंक फूड होता है, ठीक है। और क्या करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या करें फिर। जैसी लाइफ जिसकी चल रही है ना उसकी वैसी चलने दो, ज्यादा डिस्टर्ब किसी की लाइफ में नहीं करना चाहिए। तो आज का अपडेट बस यही था। पार्लर में मैं दो तीन दिन से क्या, काफ़ी दिन से जा ही नहीं रही हूँ, बहुत कम जा रही हूँ। मतलब कि कोई बुलाता है तब जाती हूँ, किसी को कोई काम होता है तो जाती हूँ। बाकी तो पूरा स्टाफ ही संभाल लेता है, पूरा पार्लर बहुत अच्छे से, मेरा पूरा स्टाफ जो है वो काफ़ी अच्छे से मेरा पार्लर चलाता है। और फ़ोन पर बाकी हम लोगों की होती रहती है, कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी किसी कस्टमर को मुझसे मिलने आना होता है, तो वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। देखना बेटा पापा आए होंगे, तो अभी बेल बज रही है, देखते हैं कौन। देख कौन है, पापा ही यही है। बिल्कुल हाँ, बहुत इन पे ना बहुत गुस्सा आता है मुझे कभी। देखो 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 बैल बजा जाए, देखो बच्चों की तरह ना, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, देखो जरा तुम। और फिर पता क्या कहेंगे, अरे मेरा घर है, देख रही है तू। अभी हम तुम में से कोई कर देते ना तो पागल बताते हैं हमें तुम्हें। अभी हम में से कोई कर देते ना पागल हो, घर वाले ने कभी कुछ सिखाया नहीं है। नूतन अंकल उनसे तो कहो है ही नहीं कोई। बताओ अंकल ऐसे बैल बजा रहे हैं, ओ माय गॉड। हमारे फैमिली डॉक्टर आए हैं, वो जो है ऊपर को बुला लो। तो हमारे फैमिली डॉक्टर आए हैं, वो मतलब हम लोगों का ना रूटीन चेकअप वगैरह सब वही करते हैं, काफी अच्छे हैं, फैमिली ट्रम से उनके साथ हमारे। तो वो देखो वो यश से भी ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, मतलब सोचो यश करते हैं ऐसी हरकतें जैसी वो कर रहे थे। अभी बैल बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। तो आप सोचो कि हमारे तो जो जान पहचान के हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो भी हमारी तरफ ऐसे ही है बस। अब बचपना समझ लो इसे, मस्ती समझ लो इसे, पागलपन समझ लो इसे, जो मन करे वो समझो। बट मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो हक से सब कुछ करें, मतलब जिन लोगों के बीच में फॉर्मेलिटी ना हो, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब मुझे पसंद आता है कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल हैज अ फैमिली ट्रीट करो एक दूसरे को। और हम लोग जितने भी एक दूसरे के साथ में हैं यार दोस्त सारे, उन लोगों के साथ में बहुत अच्छे टर्म्स हैं हमारे, और बिल्कुल हम लोग ना एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोग के साथ में ये शेयर करना। तो अभी वो आए हैं तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ पहले। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे ना, वो हमारी दवाई लेकर आए थे, मतलब यश की दो तीन दवाई हैं, एक दो दवाई मेरी भी चल रही है, जो ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह आया था ना उसकी दवाई चल रही है, तो वो दवाई देने के लिए आए थे वो। और उनका क्लिनिक ना इस टाइम बंद होता है, मतलब इस टाइम वो बंद करके या लंच ब्रेक में जा रहे होंगे, आई थिंक, मुझे नहीं पता मतलब क्या था। फिलहाल वो घर पर देकर चले गए। और यश जो है वो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, स्टार्ट तो हो चुका है बट आपको आगे का और दिखाते हैं कि अब इससे आगे क्या क्या करने वाले हैं। पार्लर में भी आज मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए अभी। दिखाऊंगी आपको, रुक जाओ। देखो गाइस क्या क्या लिया है, क्या क्या लिया है, हम यहाँ रख दो सब निकाल के। हम बहुत सारी चीजें लेके आए। ओह मेरे फेवरेट बिस्किट, अभी तो मेरे पहले के ही रखे हैं, इसलिए तो हम लेकर आए हैं। तो आज तुम लोग किचन का सामान लेके आए हो क्या? नहीं, हम अपना लेकर आए हैं। अपना लेके आए हो, मेरे लिए भी चीजें लेके आए हो? नहीं बाबू, आपके लिए हम ये वाली चीजें लेके आए हैं। इतनी सारी चॉकलेट, तुम्हारे पापा ना तुम्हारे दांत खराब करवा के छोड़ेंगे। हमारे पापा स्टारबक्स की कॉफी घर में, मतलब घर पे जो कॉफी है वो बुरी लगती है क्या? स्टारबक्स की कॉफी क्यों पी रहे हो भाई? बनी बनाई फ्रूट जूस क्यों? ये सब चीजें क्यों लाए हो? ये दो चीजें बकवास है बिल्कुल। बेटा हम रियल फ्रूट जूस पीते हैं, यही रियल ही है। तो हम ये आर्टिफिशियल क्यों पिए? नहीं तो हम कॉफी बना के पी सकते हैं ना। चॉकलेट एक और ओरियो, अच्छा ये चिप्स, ये ओरियो का क्या है? ये मिनी ओरियो।
जो सीरियल्स में होते हैं। अच्छा छोटे छोटे ओरियो के बिस्किट है? बताओ, जब तुम ओरियो का बड़ा लेकर आए थे तो इस छोटे की क्या जरूरत थी? इसके अंदर, इसके दस इसके अंदर लाख होते हैं। पागल हो चुके हो, हमारे पापा भी पागल हो चुके हैं। मतलब सारा स्नैक्स, अब ये योगर्ट जब घर में जमता है तो क्यों लेके आए? क्योंकि ये फ्लेवर्ड योगर्ट है भाई। मेरे, मैं तो इन बच्चों से बड़ी परेशान हूँ। जबरदस्ती का नया नया पियो। इसे कॉफी कप सुबह सुबह पियोगे? बनेरा तो मेरा था, तेरा मोचा था। हाँ, मैं मोची। वैसे भी क्या सुबह क्या पीती हो तुम? कॉफी पीती हो ना बना के? अरे लड़ रहे हैं आपस में दोनों। देखो देखो, इसकी चिड़िया ना आपस में लड़ रही है। ये 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 इससे लड़ रहे हैं, तो उस पर क्यों बैठ गई? देख 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 देख, दोनों ऐसे देखो, उस पर से उतर गई तो सही हो गया। देख उस पर क्यों बैठी थी, ये कह रहा था ये। देख तेरी तरह है तुम दोनों की तरह, तो मैं ना लड़ाई करते रहे जब देखो तब, और एक केक रहेंगे। तो ये फिर से कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ले आए हैं पापा के साथ। जूस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कॉफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी पीने की जरूरत नहीं है बेटा, हम बना के पी सकते हैं। हाँ लाए थे, लेकिन जब हम रियल फ्रूट का पी सकते हैं, मतलब हर चीज का, तो हम इससे क्यों लें? तो यही बात है, आर्टिफिशियल नहीं। सिवाय खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है। अब ये मिनी ओरियो लेके आ गए हैं, ओरियो का पूरा पैकेट भी लेके आए और ये भी लेके आए। बेटा इतना मत खाया करो, ये उल्टी सीधी चीज़ें। खाना नहीं मिलता है तुम्हें? मिलता है। तो फिर इन चीज़ों की क्या जरूरत है? अच्छा नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिलता क्या मतलब? दाल चावल अच्छे नहीं होते, सब फालतू का खिलाओ। देख रहे हो ये बच्चे कितने बिगड़ गए, बहुत ही बिगड़ गए, शैतान बच्चे।